जबलपुर में माणोताल पुलिस ने 37 लाख से ज्यादा के मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी से पंजाब के लुधियाना भेजा जा रहा था मादक पदार्थ। पाटन बायपास के पास एक यार्ड में खड़े ट्रक की जांच में एक क्विंटल 85 किलो गांजा और भारी मात्रा में कीटनाशक बरामद किए गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माणोताल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई की है, कीटनाशक और कई अन्य पदार्थ मिले हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, जिनके बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 37 लाख से ज्यादा का मादक पदार्थ फिलहाल जब्त किया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह पता चला कि ट्रक मालिक की नॉलेज में ये बात थी और ट्रक मालिक और ड्राइवर दोनों जो है इस माल को पंजाब में खपाने के लिए ले जा रहे थे। और ये जैसा कि और भी यहाँ जबलपुर में कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो ये पाया गया कि आंध्र प्रदेश से एक अच्छी क्वालिटी का गांजा काफ़ी बड़ी मात्रा में स्मगल होता है और जबलपुर पुलिस ने इससे पहले भी कई बार पकड़ा गया है। पूरे जबलपुर जोन में जो हमारे श्रीमान पुलिस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, उनकी सूचनाओं पर, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर कई बार पकड़ा गया है। तो उसी में से इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि आंध्र से माल जा रहा था और नॉर्थ की तरफ जा रहा था। बाकी अभी और इसके बहुत से पहलू हैं जो कि हम विवेचना में क्लियर करेंगे, अभी से कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सफलता है। तमाम बड़ी खबरों के बीच यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।